लेके आते हैं बहुत सारे बच्चों को, और ये बहुत ही बेहतर क्वेश्चन करता है। एक सोर्स ऑफ लाइट है, चलो एक सोर्स ऑफ लाइट बना लो यहाँ से। ये लाइट, लाइट का सोर्स का क्या मतलब है? लाइट का सोर्स का मतलब है कि ये फोटॉन्स रेडिएट कर रहा है और मैं पॉइंट सोर्स ले लिया हूँ, तो ये ऐसे एक फोटॉन्स रिलीज कर रहे हैं। इसमें फोटॉन्स हैं यार, पार्टिकल्स हैं, इस टाइप से कुछ ऐसे बना लो, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। तो यहाँ से ये जो पार्टिकल्स फोटॉन है वो लाइट का सोर्स किसी फोटो सेंसिटिव मटेरियल, मतलब फोटो सेल पे इंसिडेंट हो रहा है, एंड कहता है फ्रॉम ए फोटो सेल एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल फाउंड इफ द डिस्टेंस बिटवीन द लाइट सोर्स एंड फोटो सेल। मतलब ये तो लाइट का सोर्स है यार, यहाँ से फोटॉन्स रेडिएट हो रहे हैं। अब ये फोटो सेल मतलब फोटो सेंसिटिव मटेरियल है, और वो यहाँ से 50 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पर कोई मटेरियल है, ऐसे समझ लो फोटो सेंसिटिव मटेरियल है। तो ये जो फोटोन यहाँ से आ रहे हैं लाइट के सोर्स से, जो फोटोन आ रहे हैं और वो इस मटेरियल पे अगर इंसिडेंट कर रहे हैं, तो इस मटेरियल से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे होंगे, और वो इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी पार्टिकल है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं, उनको अगर मैं रोकूं, मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी पूरा जीरो कर दूं, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी जीरो करने के लिए वेलोसिटी ½ mv² और काइनेटिक एनर्जी EV0 है। कट ऑफ पोटेंशियल कितना है? V0 इज द कट ऑफ पोटेंशियल, मतलब इतनी पोटेंशियल डिफरेंस लगाऊंगा तो वो पूरी तरह से रुक जाएंगे। ये बात सबको समझ में आ गया? चलो, तो ये जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ था हमारे क्वेश्चन में बच्चों, ये 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे कोई फोटो सेंसिटिव मटेरियल है जो रखा हुआ था। अगर मैं ये डिस्टेंस डिक्रीज कर देता हूँ, अगर मैं डिस्टेंस यहाँ से इसको 50% कम कर देता हूँ, इस मटेरियल को मैं यहाँ पे लेके आऊँ, तो अब जब फोटोन इस पे पड़ेंगे, अब जब फोटोन ये इंसिडेंट होंगे, तो अभी भी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे, द इलेक्ट्रॉन विल रेडिएटेड फ्रॉम द हियर, अभी भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर आ रहे होंगे ऐसा बताया जा रहा है। तो उनकी स्टॉपिंग पोटेंशियल कितनी होगी ये हमें कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ से स्टॉपिंग पोटेंशियल, कट ऑफ पोटेंशियल V- की कैलकुलेशन करनी है। बात समझ में आ गया? और ये डिस्टेंस इसमें बताया जा रहा है 25 सेंटीमीटर, ये वाली डिस्टेंस है। तो आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे बच्चे को डाउट आ जाता है, बच्चों की डाउट कि यहाँ पे थोड़ा सा हमें समझने वाली बात है, समझने की कोशिश करना है यहाँ पे। तो जब ये डिस्टेंस ज़्यादा था, तो एक चीज़ है फोटोन डेंसिटी, फोटोन फ्लक्स, ठीक है, नंबर ऑफ फोटोन, ये अगर आप पढ़े होंगे, ठीक है, आपको अगर कोई पढ़ाए होंगे आपके टीचर, तो फोटोन फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर यूनिट एरिया, ठीक है, अगर कोई पॉइंट सोर्स है या उसके परपेंडिकुलर, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड पर यूनिट एरिया जो इंसिडेंट हो रहा है, उस पर सेकंड पर यूनिट एरिया जो इंसिडेंट हो रहा है, नंबर ऑफ फोटॉन, उसको हम बोलते हैं फोटॉन फ्लक्स या फोटॉन की डेंसिटी। सिंपल सिंपल सी बात समझो, यहाँ पर हो तो फोटॉन डेंसिटी कम है, यहाँ पर हो तो फोटॉन डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पर हो तो ज़्यादा फोटॉन्स है लाइट के बीम में, और यहाँ पर और कम है, और दूर चले जाओगे तो और बीम है। कुल मिला के इस मेटल के सरफेस पे फोटॉन्स कम इंसिडेंट होंगे, इस मेटल के सरफेस पे फोटॉन ज़्यादा इंसिडेंट होंगे, मतलब इस मेटल के सरफेस पे पड़ने वाली जो इंटेंसिटी है, जो एनर्जी, जो रेडिएशन की इंटेंसिटी है वो ज़्यादा है, और यहाँ पे रेडिएशन की इंटेंसिटी कम है। तो जो क्या इलेक्ट्रॉन्स का निकलना रेडिएशन की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है क्या? बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक, नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिट रेडिएशन पे डिपेंड करता है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? वो तो काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है, तो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता ही नहीं है मेरे भाई। तो जब इसको यहाँ से उठा के लेके आओगे, तो इंटेंसिटी कम पड़ रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी, और यहाँ भी काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी, तो उनको रोकने के लिए तो मुझे सेम वोल्टेज लगाना पड़ेगा ना, पोटेंशियल एनर्जी पूरी काइनेटिक एनर्जी जीरो करने के लिए वो सेम वोल्टेज लगाना पड़ेगा, मतलब कट ऑफ पोटेंशियल इंटेंसिटी से चेंज होता ही नहीं है, मतलब जो पहले था वो अभी भी है, मतलब पहले कितना था V0, तो अभी भी V0 है, बी ऑप्शन सही होगा। लेकिन अगर यहीं पे पूछ देता कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड, जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं,
इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे, इसमें कम इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे। इस मेटल से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकेंड, और इससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड पर सेकेंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकेंड यहाँ से ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा फोटॉन्स पड़ा है, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट, यहाँ पर अगर देखोगे नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर सेकेंड विल बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ फोटॉन्स इन द सेकेंड केस। ठीक है, तो यहाँ से जो अगर पूछ देता फोटो इलेक्ट्रिक करंट, तो यहाँ से जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बनेगी वो ज़्यादा होगी, तो सेकेंड केस में फोटो इलेक्ट्रिक करंट फर्स्ट केस में ग्रेटर होगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट इन द सेकेंड केस में, क्योंकि नंबर ऑफ फोटॉन्स ज़्यादा, इंटेंसिटी यहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा पड़ रही है और यहाँ पे कम इंटेंसिटी पर रही है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा होगा फोटो इलेक्ट्रिक कम होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स ज़्यादा पड़ेंगे नंबर ऑफ फोटॉन्स यहाँ पे कम पड़ेंगे। तो ये सारी डेटा आपको आई होप कि बहुत बेहतर तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलो